यहाँ पर हमको इसका ऑटो सम चाहिए या कोई सम चाहिए। चलिए सम ब्रैकेट वही सब फंक्शन हो रहा है। सीट वन पर डेटा है, चले गए इसको सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट किए, लिखा हुआ है सीट वन का C5 से C9, कोई डाउट है? ब्रैकेट बंद कीजिए, कोई डाउट? तो कैलकुलेशन एंड मल्टीपल सीट हो गया, कोई दिक्कत है? अगर हम यहाँ जाके अगर चेंज करें, यहाँ आंसर कितना आया 130, तो वहां भी होना चाहिए, कोई दिक्कत है? सर आप जो ब्रैकेट बंद किए वो कैसे किए? शिफ्ट के साथ, कोई दिक्कत है? फिर भी चेंज करके देखते हैं, 260 हुआ? यस सर। तो मल्टीपल सीट हो गया। अब हम एक नई फाइल ले रहे हैं बताने के लिए कि मल्टीपल फाइल्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? ये हमारे अटेंडेंस शीट और सैलरी के लिए बहुत जरूरी है। अभी क्लास में इसका डेमो मतलब इस बात के लिए डिस्कस किए हम लोग, ठीक है? चलिए एक नई फाइल लेते हैं कंट्रोल एन, एक और फाइल लेते हैं कंट्रोल एन। हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़े इसीलिए इसी का यूज कर लेना, कोई दिक्कत है? नो सर। इसका ले लेते हैं, नए फाइल में चले जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेम बता दिए, इसको हम ऑटो सम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? और एक और चीज़ आया था, इसको ठीक है, इस फाइल को सेव कीजिए, इस फाइल को सेव कीजिए। आपका क्लास है 8A1, क्या नाम दिया इसका? 8A1। एक और फाइल लेते हैं, ले लिया है, इसको कॉपी कर लीजिए। वहाँ टेस्ट कर लिए, इसका सम हम यहाँ करना चाहते हैं, इसको दिक्कत है? का है कॉपी करेंगे, हम मैनुअल करेंगे तभी तो बच्चों को समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ऐसा ना हो किसी बच्चे के मन में ये आए कि सर कुछ अपने अपने करते चले जाते, वो समझ में नहीं आता। हम मैनुअली कर रहे हैं, सम किया, कैप दबाए, फॉर्मूला लिख दिया, सेम प्रोसीजर है। इस बार हम कौन सी फाइल में जाएंगे? 8A1 गए और इसको सेलेक्ट कर लिए। अब देखो क्या लिखा है, सम 8A1.xlsx, याद है एक्सटेंशन हमारा है, इसका सीट वन और इसका ये रेंज हम सेलेक्ट कर लिए। अगर इतना टाइप करने का मौका लगे तो टाइप कर पाइएगा, कंसेप्ट ही नहीं आएगा, है ना? ब्रैकेट बंद कीजिए, इस फाइल को हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम देंगे सेव 82 समझ में आया, सेव इसको क्लोज कर देते हैं।